भारत माता की जय बोलिए भाई। बजट कितने का फाड़ी हुआ है सर? सर तो पास करके दे दिया था कि ऐसा चार्ज जब तक सुविधा नहीं दीजिएगा तब तक चार्ज लेना अवैध है, इसलिए हम लोगों ने आज विशेष बैठक थी, इसलिए हम लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया था, इसलिए हम लोगों ने अपना इसको लिख कर अपने भावनाओं को प्रकट किया है कि हम लोग ये मनमानी नहीं चल रही। बिहार के ग्रामीण परिवेश में एक कहावत आप लोगों ने जरूर सुनी होगी कि मुर्गा अगर बांग नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं कि सुबह नहीं होती। ये पंक्ति नगर निगम में चल रही राजनीति पर खूब जचती है। बीते दिन जिले के प्रथम नागरिक राकेश कुमार पिंटू ने गुरुवार को होने वाली नगर निगम बोर्ड की बैठक कैंसिल करने का पत्र नगर आयुक्त को जारी किया, जिसके बाद नगर आयुक्त के अपर मेयर ने ये आरोप लगाया कि पत्र को रिसीव नहीं किया गया। नगर आयुक्त मनमाने ढंग से निगम को चलाना चाह रहे हैं। वहीं आज तय समय के अनुसार निगम भवन में निगम बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर आयुक्त के साथ विरोध कार्ड लेकर मेयर और डिप्टी मेयर पहुंचे हुए थे। बैठक में पार्षदों के सर्वसहमति से बजट को पास कर दिया गया। बजट पास होने के बाद मेयर ने बैठक समाप्त करने की घोषणा कर दी और उठकर बाहर की तरफ चल दिए। डिप्टी मेयर सहित नगर आयुक्त के अनुरोध पर भी मेयर साहब गुस्से से आग बबूला होकर बैठक से बाहर निकल आए। बैठक से मेयर के निकलने के बाद बुजुर्ग पार्षद नंदू बाबू की अध्यक्षता में बैठक को पुनः जारी किया गया। नगर निगम की तरफ से आए कुल 8 एजेंडों पर सहमति दी गई। वहीं नगर आयुक्त ने सभी वार्ड में 1-1 करोड़ रुपए से काम कराने को लेकर पार्षदों को सहमति दी। नगर निगम से शहर के विकास की जिम्मेदारी के साथ शपथ लिए जनप्रतिनिधि शहर के विकास में कितना संलिप्त हैं, इसे जिले के आम जन को आज नगर निगम बोर्ड की बैठक की तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। और शहर की स्थिति अगर आने वाले समय में बिगड़ती है तो शायद उसका एक ही जिम्मेदार होगा, जिसका नाम है राजनीति। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मेयर और नगर आयुक्त की ये तकरार आगे कहां तक जारी रहती है। क्या ये लोग शहर को स्मार्ट सिटी में तब्दील कर पाएंगे या नहीं, या फिर पुनः आने वाले समय में जिले के आमजन गंदे पानी में हेलने, गिरने और मुंह फुरवाने पर विवश रहेंगे। मुजफ्फरपुर नाव के लिए रिकेश चंद्र की रिपोर्ट। सर बजट पर अपने सम्मति से हाथ उठाएं, बजट को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। चूंकि ये विशेष बैठक थी तो हम लोग सिर्फ बजट पर ही चर्चा करना था और फिर आगे हम लोग बजट ये बैठक रखेंगे जिसमें सभी शहर के सभी समस्याओं को रखा जाएगा। चूंकि हमारे नगर आयुक्त जी प्रोसीडिंग नहीं निकाल रहे हैं, इसके कारण हमने आज जो सिर्फ हम लोग का विशेष बैठक ही था, तो विशेष बैठक में दूसरा किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होता है। अगली बार फिर हम लोग बैठक रखेंगे, शहर की जो भी समस्याएं हैं उस पर चर्चा होगी। सूचना राजगीर लिखी बैठक में, सूचना किस बात की? सूचना नाराजगी लिखी है बैठक में कुछ? नहीं, नाराजगी की कोई बात नहीं, चूंकि विशेष बैठक है, प्रोसीडिंग नगर आयुक्त महोदय निकाल नहीं रहे हैं। हमने स्पष्ट बोला है कि सीडी उपलब्ध करवाइए ताकि हम प्रोसीडिंग निकाल सकें। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कि बिल्कुल टाले जा रहे हैं, ऐसा थोड़े चलता है। बजट के कारण विकास बाधित होता है? नहीं, विकास अब बाधित नहीं होगा, बजट पास कर दिया गया है, विकास बिल्कुल बाधित नहीं होगा। हम बजट के पक्षधर शुरू से रहते, हम पहले ही बार चाहे थे कि बजट पास हो जाए। बजट पारित हुआ है, बजट लीजिए ना।
भारत माता की जय बोलिए भाई। बजट कितने का पारित हुआ है सर? नहीं सर, सर 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 बैन हो गया उन दिन भी कितने का वो हो गया पास करके दे दिया था कि ऐसा चार्ज जब तक सुविधा नहीं दीजिएगा तब तक चार्ज लेना अवैध है। इसलिए हम लोगों ने आज विशेष बैठक थी, इसलिए हम लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया था, इसलिए हम लोगों ने अपना इसको लिख कर अपने भावनाओं को प्रकट किया है कि हम लोग ये मनमानी नहीं चले। किनकी मनमानी नहीं चले? जो यहाँ अगर हम लोग पास नहीं किए हैं और टैक्स वसूला जा रहा है तो जबरन टैक्स जनता पर लादा जा रहा है, हम लोग इसके विरोध में। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं। जब सुविधा नहीं देंगे तो टैक्स हम लोग लगते रहेंगे। लगता है नो टैक्सेशन विदाउट प्रेजेंटेशन नगर निगम में अब ये चलेगा? नो टैक्सेशन नहीं, सुविधा दीजिए, जनता से टैक्स लीजिए। अगर सुविधा आप नहीं दे रहे हैं तो जनता से टैक्स नहीं लेना है। अन्य शहरों से और अन्य जगहों का आप उदाहरण दे के देख लीजिए। और हम लोग कहे थे कि आपको अगर दिक्कत है तो पटना से मार्गदर्शन मांगिए सरकार से, सरकार का मार्गदर्शन नहीं आया है और तो भी टैक्स वसूला जा रहा है। यूजर चार्ज के नाम पर जनता को शोषण किया जा रहा है, हम लोग यूजर चार्ज के खिलाफ हैं। ऐसा इतिहास नहीं है, लेकिन लेकिन चूंकि पार्षदों की समस्याएं इतनी गंभीर है और पार्षदों को भी चुनाव में जाना है, बहुत सारे क्षेत्रों की बहुत सारी समस्याएं लंबित है, इसलिए पार्षदों का विचार हुआ कि नहीं, मीटिंग जो स्थगित हुआ वो गलत हुआ, पार्षदों की सहमति से पार्षदों की समस्याओं को बिना सुने हुए मीटिंग स्थगित करना गलत है, इसलिए सभी पार्षद जिनके भी इच्छा थे कि वो उनके समस्याओं को सुना जाए, सारे लोग बैठे और कोरम पूरा हुआ और उस पर बैठक की आगे कार्यवाही चली। जिस विकास की बात को करके आप लोगों ने मेयर का पद दोबारा से सृजित करवाया, नए मेयर को बनवाया, अब लगता है विकास बाधित कौन कर? विकास बाधित निश्चित रूप से पहले जो आज 20 साल से जो शहर के विकास को बाधित करते आ रहे हैं उन्हीं के इशारे पर मैं पहले से भी कहता आया हूँ कि एक आदमी पूरे तालाब को गंदा कर रहा है, इस पूरे शहर की राजनीति को, पूरे शहर में जो विकास बाधित है उसके पीछे सिर्फ एक ही आदमी का वो स्वार्थित कहिए या उसको उसका मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि उसकी स्वार्थ पूर्ति नहीं होती है, तो इसी तरह से वो मेयर को मोहरा बना करके वो अपना स्वार्थ पूर्ति नहीं होने के कारण ये विकास बाधित करते हैं। इसमें सारे शहर की जनता, आज तक बजट पारित नहीं हुई, आज 5 मई है जबकि इसको मार्च के अंतिम दिनों में ही पास होना चाहिए था कि 1 अप्रैल से इसमें बजट पर काम होता, लेकिन अप्रैल नहीं मई, 5 मई हो गया अभी तक बजट पारित नहीं हुआ। ये निश्चित रूप से उनकी जो आज तक 20 वर्षों से नगर निगम को नचाते आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर के विकास को बाधित करते आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर की जनता को नारकीय जिंदगी झेलने के लिए उनके पेयजल की समस्या सारी समस्याओं में ग्रसित छोड़ देने की मंशा से वो जो करते आ रहे हैं उसकी हम लोग प्रतस्ना करते हैं। और मैं सभी माननीय पार्षद जो आज की बैठक में उपस्थित रहे और इन्होंने जो अपनी अपनी समस्याओं को रखा, मुजफ्फरपुर की जनता की समस्याओं को रखा और उसके निदान के लिए नगर आयुक्त महोदय ने जो स्वीकृति और सहमति प्रदान की है उसके लिए मैं सभी पार्षदों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, साथ ही साथ नगर निगम प्रशासन के भी प्रति आभार व्यक्त।
आगे कोई कार्रवाई आपके तरफ से? अगर मान लीजिए वो लोग अगर जो बैठक बुलाए हैं, क्योंकि एक दिन में दो दो अध्यक्ष या अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं, और उन लोगों के अध्यक्षता करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है, चूँकि बैठक समाप्त हो गई है, उसके बाद वो लोग अध्यक्षता करके अपने बैठक को शुरू किए, ये बिल्कुल गलत था। आगे हम अगर ऐसा कुछ होगा तो अगर प्रोसीडिंग नगर आयुक्त द्वारा निकलेगा उनके लिए, तो हम कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, हम जाएंगे हाईकोर्ट तक जाएंगे, इसके लिए हाईकोर्ट से अपना न्याय मांगेंगे। देखिए, 4.5 साल में ऐसी घटना आज तक घटी नहीं है। जब जब मैंने अध्यक्षता की है, हमने निगम बोर्ड की जितनी बैठक का अध्यक्षता किया सब शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। ये जो आज घटना घटी है, जो आप मीडिया के द्वारा मालूम चला है, उसमें चूँकि बजट पास करने की बात थी, बजट नहीं पास होगा तो पैसा कहाँ से आएगा, और इसी की तनातनी थी। मेयर, जो सो कॉल्ड मेयर अनुकंपित मेयर हैं, वो चाहते हैं नगर आयुक्त पर दबाव बनाना कि बजट पास न करेंगे तो नगर आयुक्त को पटना से दिक्कत होगी, क्योंकि इनको चाहिए धन लाभ। और इसी के चलते इन्होंने कल, आपको याद होगा, जब बैठक का इन्होंने ये जब ऑलरेडी बैठक का पत्र निकाल लिया, इन्होंने मेयर ने निकाला है, तो फिर कैंसिल कैसे कर सकते हैं? और कल रात तक आप लोगों ने चलाया है मीडिया में कि नगर आयुक्त के आवाज ये ऑफिस में लोग जाकर साट दिया है, तो आज किस मुँह से अध्यक्षता करने बैठक में आए लोग? अगर वो नहीं आता तो हम कहीं रहते, हम ऐसा करते हैं, चूँकि शहर के विकास की बात है, शहर की ये सम्मान की बात है, शहर का चूँकि बजट पास नहीं होगा तो कैसे होगा? हम थे बाहर में, कहीं थे, हमको जानकारी हुई, हमने पार्षद से, हमारे पार्षद को फोन किया, हमको है मीडिया में आपने शेयर किया था कि आज की बैठक में आप शामिल होंगे, उसके बावजूद आप शामिल नहीं? नहीं, हम शामिल, हम तो यहाँ ऑलरेडी शहर में हैं ही, हम अपने निजी काम से कहीं पर हैं, लेकिन अगर सो कॉल्ड मेयर नहीं आते तो हम अध्यक्षता करते, क्योंकि शहर के विकास की बातें हैं, ये शहर को बचाने के लिए हैं।